कुछ बोल रहे हैं क्या? ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे लिस्ट ऑफ टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, मैंने थ्री टाइप के सॉफ्टवेयर्स बताया था। सबसे फर्स्ट होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। इन केस ऑफ ए सिस्टम सॉफ्टवेयर इट हेल्प्स द यूजर एज वेल एज द हार्डवेयर टू फंक्शन एंड इवन इंटरैक्ट विद ईच अदर इजीली, ठीक है। तो यूजर और हार्डवेयर, ठीक है, दोनों एक साथ फंक्शन कर सके, दोनों एक साथ एक दूसरे से इंटरैक्ट करके काम कर सके, ठीक है। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर यह उपयोगकर्ता के साथ साथ हार्डवेयर को कार्य करने और यहाँ तक कि एक दूसरे के साथ आसानी से बातचीत करने में मदद करता है। बातचीत करना मीन्स इंटरेक्ट करना। इंस्ट्रक्शन हम देंगे यूजर के द्वारा और वो हार्डवेयर उसी इंस्ट्रक्शन को लेके वो काम करेगा, ठीक है। तो अलग अलग फंक्शनैलिटी होती है हार्डवेयर की, ठीक है। अगर हम लोगों को गाने चलाने हैं तो गाने के लिए अलग हार्डवेयर लगे होता है, ठीक है। मूवीज चलानी, पिक्चर देखने के लिए मॉनिटर होता है, ठीक है। ऐसे अलग अलग टाइप के हार्डवेयर लगे होते हैं, ठीक है। तो वो हार्डवेयर कौन ऑपरेट करता है? यूजर के इंस्ट्रक्शन से ऑपरेट होता है, ठीक है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो होते हैं जो ये हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरेक्ट करवाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है उसके कुछ एग्जांपल्स है, लाइक जैसे फर्स्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग उसको बोलते हैं जो एक पूरे के पूरे कंप्यूटर को रन करता है या लैपटॉप को रन करता है, किसी भी मोबाइल डिवाइस को रन करता है, ठीक है। उसके अंदर के जितने भी हार्डवेयर होते हैं, ठीक है, उसको वो चलाता है, ठीक है। यूजर्स को बहुत सारे फंक्शंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि हम लोग देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक ओएस, लाइनेक्स ओएस, एंड्रॉयड, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल होते हैं जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलाते हैं। ओके, देन इसके बाद आके आते हैं कुछ हमारे पास और भी, यहाँ पे आते हैं डिवाइस ड्राइवर, ठीक है। ये भी डिवाइस ड्राइवर भी जो है बहुत सारे हार्डवेयर, जैसे कि हम लोग पेन ड्राइव लगाते हैं। जब भी हम लोग कोई पेन ड्राइव लैपटॉप में या कंप्यूटर में लगाते हैं तो क्या होता है, साइड में दिखाने लगता है इंस्टॉलिंग डिवाइस ड्राइवर या फिर इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर, ऐसे करके दिखाता है राइट साइड में नीचे टास्क बार में, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो उस डिवाइस को हमारे सिस्टम के साथ जोड़ता है, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे हार्डवेयर के लिए ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है। जो भी हार्डवेयर हम लोग को लगाना है, जैसे कि प्रिंटर है, डिस्प्ले है, ठीक है, साउंड कार्ड होता है, हार्ड डिस्क होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, सब के सब क्या होते हैं? हार्डवेयर। क्लियर सर, क्या क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो डिवाइस ड्राइवर्स में बहुत सारे हार्डवेयर जो होते हैं, जितने भी हार्डवेयर हमारे कंप्यूटर लैपटॉप में लगे होते हैं, ठीक है, तो उतने हार्डवेयर जो है उसको ऑपरेट कौन करता है, उसको सारी फंक्शनैलिटीज कौन प्रोवाइड करता है, वो डिवाइस ड्राइवर होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स पर्टिकुलर हार्डवेयर विच इज असेंशियली अटैच टू द सिस्टम। डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस विच रिक्वायर अ ड्राइवर टू कनेक्ट द सिस्टम इजीली, ठीक है। तो यहाँ पे इतने सारे टाइप के ड्राइवर्स अवेलेबल होते हैं, मदरबोर्ड ड्राइवर्स, डिस्प्ले ड्राइवर, रोम ड्राइवर, प्रिंटर ड्राइवर, यूएसबी ड्राइवर, साउंड का ड्राइवर, वीजी ड्राइवर्स, इस टाइप के ड्राइवर्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। ड्राइवर क्या करता है, उसको नेसेसरी फाइल्स प्रोवाइड करता है जिससे वो अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से चला सके, ठीक है। तो ये डिवाइस ड्राइवर है, दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में ही लगभग लगभग आते हैं और ये एक पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, मान के चलिए, ठीक है। तो दोनों ही सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर में आते हैं, ठीक है। सेकंड होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन करते हैं। जो भी यूजर होता है, जो भी उस कंप्यूटर को यूज करने वाला होता है, वो अपना काम कुछ आसान करता है, कुछ उसको टास्क परफॉर्म करना है, जैसे कि कुछ टाइप करना है, गाने सुनना है, ऑनलाइन रिसर्च करना है, कुछ डिजाइनिंग करना है उसको, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर,
ठीक है, जैसे यहाँ पे ये फॉक्सिट रीडर खुला हुआ है जो आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। तो फॉक्सिट रीडर क्या है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो एक पीडीएफ को रन कर रहा है, ठीक है, पीडीएफ को चला रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वैसे ही बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं, जैसा कि वर्ड प्रोसेसर, ठीक है। वर्ड प्रोसेसर आप लोग पढ़ रहे हो अभी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये सारे चीज़ आप लोग जो पढ़ोगे वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे सॉफ्टवेयर्स की एमएस वर्ड, एप्पल आई वर्क, कोरल, ठीक है, गूगल डॉक्स, इस टाइप के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और कुछ डेटाबेस सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं जो कुछ डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं, ठीक है। ये आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ोगे, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सब्जेक्ट होता है, उसमें इस सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल में जानेंगे, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट है आप लोग को, ठीक है। वैसे ही बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे फाइल मेकर, डी बेस, क्लिपर, माई एसक्यूएल, फॉक्स प्रो, तो ये सारे डेटाबेस सॉफ्टवेयर होते हैं। देन आता है मल्टी मीडिया सॉफ्टवेयर, ठीक है। मल्टी मीडिया सॉफ्टवेयर जैसे कि कोई इमेज से रिलेटेड, फोटो से रिलेटेड, ठीक है, वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, जैसे विंडोज मीडिया प्लेयर, वीएलसी मीडिया प्लेयर, पिकासा, एडोब फोटोशॉप, तो ये सारे क्या है, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये सब पूरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंडर में आते हैं, ठीक है, जो जनरली हम लोग हमेशा यूज करते हैं और कुछ अपना काम आसान करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं वेब ब्राउजर्स, ठीक है। वेब ब्राउजर्स हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं, जैसे क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, यूसी ब्राउजर, सफारी, ठीक है। तो ये सारे क्या है, वेब ब्राउजर्स है जिसको यूज करके हम लोग इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट को एक्सेस करने का एक ही तरीका होता है, वेब ब्राउजर, उसी से ही हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जब भी हम लोग को कुछ इंटरनेट में सर्च करना होता है तो हम लोग क्रोम खोलते हैं और वहाँ पे कुछ चीज़ सर्च करते हैं और हम लोग वहाँ से रिजल्ट मिल जाता है। तो हम लोग को इंटरनेट अगर यूज करना है तो हम लोग को कोई ना कोई वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। थर्ड आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर दोनों को स्मूथ चल मतलब स्मूथ चले इस प्रकार का वो प्रोग्राम किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, दिस सॉफ्टवेयर आर डिजाइन टू असिस्ट इन एनालाइजिंग एज वेल एज ऑप्टिमाइजिंग अलोंग विद द कॉन्फिगरिंग एंड मेंटेनिंग ए गिवन कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। जितने भी सॉफ्टवेयर उसके अंदर डले होते हैं, ठीक है, या फिर जो भी कॉन्फ़िगरेशन का हमारा कंप्यूटर होता है, जैसे कि मान के चलो कि 4 GB रैम है, ठीक है, हमारे कंप्यूटर में मिनिमम आजकल 4 GB रैम तो होता ही है, ठीक है। मोबाइल में 4 4 GB आ गया तो कंप्यूटर में भी तो रहते ही है, ठीक है। वो 4 GB में सारे एप्लीकेशन को कैसे चलाना है, ऑपरेटिंग सिस्टम को स्मूथली कैसे चलाना है, ठीक है, वो सारे चीज़ें कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर से मैनेज किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि सॉफ्टवेयर लाइक डिस्क क्लीनअप एंड मैनेजमेंट टूल्स, एंटीवायरसेस, डीफ्रेगमेंटर्स, कंप्रेशन टूल्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती है, जैसे कि मोबाइल फोन में भी रहता है, क्लीनर होता है, सीसी क्लीनर आता है, ठीक है। वैसे ही अलग अलग टाइप के क्लीनर्स होते हैं, तो ये क्या करता है, रेगुलरली हमारे कैशे क्लियर करते रहता है और हमारा जो फोन है या फिर जो हमारा लैपटॉप कंप्यूटर है उसको स्मूथ चलाता है, फास्ट कर देता है। और ठीक है, डीफ्रेगमेंटर क्या करता है, डीफ्रेगमेंटर मतलब हमारा अगर डिस्क भर गया है, अननेसेसरी फाइल्स उसके अंदर स्टोर हो जाती है, ठीक है, तो हमारा सिस्टम स्लो हो जाता है क्योंकि उसको सब चीज प्रोसेस करना होता है एक साथ, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि वो कंप्यूटर को स्लो करता है, तो उससे क्या होगा, हमारा सिस्टम स्लो होगा, हम काम नहीं कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो डीफ्रेगमेंटर क्या करता है, वो सब फाइल्स को रिमूव कर देता है और हमारा सिस्टम अच्छे से चलता है। तो इस प्रकार के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो 3 टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं,
सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जैसे डीफ्रेगमेंटर। डीफ्रेगमेंटर क्या करता है, जब हम लोग की कंप्यूटर लैपटॉप में हार्ड डिस्क रखी होती है, ठीक है, हार्ड डिस्क लगाते हैं हम लोग 500 GB, 1 TB, 2 TB, आजकल तो 5 TB तक आ गया है, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, डेटा को स्टोर करते हैं परमानेंटली। परमानेंटली हम लोग अपना डेटा स्टोर करते हैं। अब वो डेटा मान के चलिए भर गया पूरा, ठीक है, या फिर भर गया है, कुछ स्पेस की हमें ज़रूरत है, ठीक है, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स होती हैं जिसको स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो डीफ्रेगमेंटर क्या करता है, उसमें से अननेसेसरी फाइल्स को हटाने का काम करता है, ठीक है, अननेसेसरी फाइल्स को हटाने का काम करेगा। तो उससे क्या होगा, हमारा जो डिस्क है वो थोड़ा सा खाली हो जाएगा और जिस फाइल्स की जरूरत है वो फाइल्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्रेशन टूल्स। कंप्रेशन टूल्स क्या होते हैं कि जो फाइल्स है, जैसे जिप फाइल होती है, जैसे कोई भी हम लोग को डॉक्यूमेंट्स भेजना है, ठीक है, एक फोल्डर हम लोग बनाए हैं, फोल्डर तो हम लोग भेज नहीं सकते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको जिप बना लेते हैं, कंप्रेस करके डाल देते हैं, कंप्रेस करके हम लोग डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो एक कंप्रेस फॉर्मेट में हम लोग कर देते हैं, मतलब जिसमें अगर मान लो कि 100 MB कोई एक फोल्डर ले रहा है, उसको हम लोग कंप्रेस कर दिए तो मुश्किल से 10-20 MB में आ जाता है, ठीक है, जिससे हम लोग की मेमोरी कम लगती है और हम लोग उसको इजीली सेंड कर पाते हैं, ठीक है, इजीली हम लोग क्या करते हैं उसको सेंड कर पाते हैं, मतलब भेज सकते हैं कहीं पे भी या कॉपी करके ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे टूल्स होते हैं जिससे हम लोग का कंप्यूटर सिस्टम और कुछ हमारे काम बहुत आसान हो जाते हैं, ठीक है, हमारा कंप्यूटर भी थोड़ा फास्ट चलता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर लैंग्वेजेस होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कंप्यूटर को कमांड देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है, कंप्यूटर को क्या करते हैं, कमांड देते हैं या फिर इंस्ट्रक्शन देते हैं। अब इंस्ट्रक्शन ऐसा तो नहीं है कि हम लोग ऐसा बोल के दे दिए और वो काम करने लग जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है, जैसे कि आजकल की डिवाइसेस होती है, ठीक है, जैसे गूगल असिस्टेंट होता है, ठीक है, एलेक्सा होता है, ठीक है, गूगल होम आता है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं जो हम लोग ऐसे मुँह से बोल दिए तो वो काम करना चालू कर देता है, ठीक है, तो वो उस चीज़ को एज ए इनपुट लेता है, वहां प्रोसेस करता है और अपना काम करता है, ठीक है। तो वो भी किसी ना किसी कंप्यूटर लैंग्वेज को यूज करके बनाया गया, ठीक है। वैसे ही जो कंप्यूटर लैंग्वेज होता है वो क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज में इनपुट लेता है, ठीक है, क्या करेगा वो, हाई लेवल लैंग्वेज में इनपुट लेगा, उसको प्रोसेस करेगा और हम लोग का जो हार्डवेयर है वो लो लेवल लैंग्वेज में काम करता है, वो उसमें कन्वर्ट करेगा और हमारा जो हार्डवेयर है वो फंक्शन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के लैंग्वेजेस होते हैं, या फिर हम लोग उसको थर्ड कैटेगरी भी बोल सकते हैं। जनरली हम लोग जो लैंग्वेजेस देखते हैं वो दो ही टाइप के लैंग्वेज होते हैं, एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज, दूसरा होता है लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेजेस आर बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन और बेटर नोन एज मशीन कोड्स, ठीक है। ए कंप्यूटर कैनॉट अंडरस्टैंड एनी गिवन इंस्ट्रक्शन टू इट बाय द यूजर इन इंग्लिश और एनी अदर हाई लेवल लैंग्वेज, दीज लो लेवल लैंग्वेजेस आर वेरी इजिली अंडरस्टैंडेबल बाय द मशीन, ठीक है। तो जनरली जो मशीन होता है, ठीक है, मशीन क्या है, मशीन बोलना मीन्स जो भी हमारा कंप्यूटर लैपटॉप है, ठीक है। तो लैपटॉप और कंप्यूटर जो है सिर्फ दो ही चीज़ समझता है कि उसको करंट दोगे तो चलेगा, नहीं दोगे तो नहीं चलेगा, ठीक है, करंट देंगे तो चलेगा, नहीं देंगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। अब कई लोग ऐसा बोलते होंगे कि मैं तो इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर को करंट की आवश्यकता होती है। अब वो करंट जो है वो वोल्टेज में दिया जाता है, ठीक है, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 18 वोल्ट, ठीक है, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, जितना भी वोल्ट उसकी नेसेसरी नीड होती है
उतना उसको वोल्ट दिया जाता है, ठीक है। अब वो हार्डवेयर डिवाइस है, वो तो एक कंपोनेंट है छोटा सा, उसको क्या पता कि क्या इंग्लिश क्या हिंदी। वो सिर्फ मैं इतना ही जानता है कि उसको करंट मिलेगा तो चलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो करंट कब देना है कब नहीं देना है वो सारा डिपेंड करता है वो इंस्ट्रक्शन पे। किस पे डिपेंड करता है? इंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है। इंस्ट्रक्शन में जिस प्रकार से हम लोग कंडीशंस लगाएंगे, ठीक है, जिस प्रकार से हम लोग इंस्ट्रक्शन देंगे उसी प्रकार वो हार्डवेयर काम करेगा, ठीक है। जैसे मैंने एक इंस्ट्रक्शन दिया प्ले ऑडियो और हमने एक तो MP3 फाइल दे दिया, ठीक है, तो वो क्या करेगा? उस फाइल को प्रोसेस करेगा और स्पीकर से हम लोग को आउटपुट देगा, ठीक है। कभी ऐसा नहीं होता कि हम लोग एक एक ऑडियो प्ले कर रहे हो और वीडियो प्ले हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि वो फाइल वैसे ही बनाया गया है, उसको प्रोग्राम भी वैसे ही किया गया है कि वो स्पीकर से आउटपुट दे, वो डिस्प्ले जो है वीडियो का आउटपुट ना दे, वो ऑडियो ही आउटपुट दे, ठीक है। उस प्रकार का उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, ठीक है। तो जब वो हार्डवेयर जो लगा हुआ है वो दो ही चीज समझता है, उसको पावर मिलेगा तो वो कुछ ना कुछ उससे आउटपुट देगा, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ एक फंक्शनैलिटी होती है छोटी सी, वो उसको परफॉर्म करता है। अब वो कैसे परफॉर्म करना है वो सारा का सारा वो इंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन जो देते हैं हम लोग वो हमेशा हाई लेवल लैंग्वेज से हम लोग देंगे, ठीक है। वो उसको कन्वर्ट किस में करेगा? मिडल लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा या फिर असेंबली लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। असेंबली लेवल लैंग्वेज क्या करेगा, उसके बाद उसको लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करेगा, जो कि कोई एक स्ट्रीम ऑफ बिट्स होगी। स्ट्रीम ऑफ बिट्स में तो 0101 के फॉर्मेट में होगा। अब ये 01 फॉर्मेट क्या है? 01 फॉर्मेट ये है कि जनरली जो 0101 यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा 10101000001, इस टाइप से कोई एक सीक्वेंस लिखा मैंने, ठीक है। जो इंस्ट्रक्शन है वो इसी प्रकार से हार्डवेयर को दिया जाएगा, ठीक है। तो जब ये 1 रहेगा इसका मतलब क्या है? उसको करंट मिल रहा है, ठीक है। जब 0 रहेगा मतलब वो उसको करंट नहीं मिल रहा है, 1 कंडीशन ऑन कंडीशन होगा, ठीक है, और 0 क्या होगा? ऑफ कंडीशन, ऑफ ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या करेगा? काम करेगा। तो इस प्रकार से 1010 के फॉर्मेट में उसको इंस्ट्रक्शन देगा, और ये 10 के फॉर्मेट को ही हम लोग बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या बोलते हैं? लो लेवल लैंग्वेज। 01 01 के फॉर्मेट में ही हर दुनिया की हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करती है। आए समझ में?